हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आईपीएस आईकर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आईपीओ के बारे में। आई फॉर इनपुट, बी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इनपुट क्या होता है? इनपुट, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इनपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कोई सारी कमांड्स देते हैं, उसी को ही इनपुट डिवाइस कहते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कीबोर्ड और माउस। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेज पे। हमारा सेकंड स्टेज है प्रोसेस। प्रोसेस दोबारा सीपीयू में होता है और सीपीयू को आप लोग कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं और सीपीयू को आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेज पे, आउटपुट। आउटपुट पर आउटपुट को समझने के लिए हम वापस से यहाँ आते हैं। हमने जैसे कि समझ लीजिए, हमने एक कमांड दिया कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के थ्रू, 2 + 2 वॉट, तब ये सीपीयू पे आ जाएगा। फिर सीपीयू सोचेगा कि 2 + 2 वॉट। फिर ये आउटपुट के थ्रू मॉनिटर और प्रिंटर के थ्रू हमें बताएगा कि 2 + 2 4 होता है और 4 यहाँ पे हमारा आउटपुट है। और ये हो गया टोटल हमारा आईपीओ साइकिल। थैंक यू।